हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रानी शर्मा किचन। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम है, बाजार में बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जी मिल रही है, इसलिए मैंने गाजर, मूली, मटर, पनीर, आलू, कैप्सिकम सब मिलाकर सब्जी बनाई है। इसे नान, पूड़ी, पराठा सबके जिसके भी साथ खाई बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। आप भी ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कैसे लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, लग रही है ना एकदम शादी पार्टियों वाले जैसे मिक्स वेज की सब्जी। इसे नान, पूरी, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज। इसके लिए हमने एक आलू काट लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च लिए हैं, थोड़े से गाजर, बीन्स, फूलगोभी, ये थोड़े से 100 ग्राम करीब पनीर ले लिए हमने, ये थोड़ी सी सीम ले लिए हैं, कैप्सिकम, टमाटर, और ये हमने 2 प्याज काट के ले लिए हैं, और थोड़ी सी हरी मटर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं मिक्स वेज। हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, अब हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम इसमें फूलगोभी डालकर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये बीन्स डाल देंगे। सारी सब्जियां को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये स्टीम भी हम इसको डाल देंगे। अब ये आलू को भी हम इसमें डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। हम इसमें गाजर को भी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारी सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, हम फिर से कढ़ाई में तेल डालें, अब हम इसे पनीर को फ्राई कर लेंगे। हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। एक तेज पत्ता डालेंगे और ये हरी मिर्च कटी हुई, देखिए इस तरह हमने चीरा लगा दिए हैं, हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को। सर्दियों के मौसम में सब्जी बहुत बाजार में मिलती है, हरी हरी सब्जी, ये है गोभी, मटर, बीन्स, सारे सब्जी। इसे मिक्स सब्जी बहुत ही टेस्ट लगती है, ये रोटी, नान, पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम इसमें ये कैप्सिकम भी डाल देंगे।
से भी हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम ये छोटे चम्मच है इससे 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम किचन किंग मसाला डालेंगे। ये घर में ही मैंने तैयार किया है। हम इसे मिला लेंगे सारे मसाले को। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें ये कटी हुई टमाटर और मटर इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मटर अच्छे से सूख जाए। अब हम इसे थोड़े से पानी डालकर मिला लेंगे सारी सब्जी को। अब हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे, ढक के पकने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी कलर आ जाती है। अब हम इसे थोड़ी देर के ढक के पकने के लिए रख देंगे। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और चारों तरफ से तेल भी छोड़ने लगी है। देखिए अब हम इसे फ्राई किया हुआ सब्जी सब डाल देंगे। एक बार मेरे स्टाइल में इस तरह से बनाइए, देखिए एकदम रेस्टोरेंट जैसे सब्जी टेस्टी लगेगी। आपको बार बार बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही बनाइए बहुत ही आसान और इजी तरीके से मिक्स वेज की सब्जी। अब हम सारे सब्जी को मिला लेंगे अच्छी तरह से। हम इसे पनीर भी डाल देंगे। लग रही है ना कितनी सुंदर एकदम रंग बिरंगी सब्जी। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे ताकि सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मसाला घुल जाए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए रख देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मिल गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे।
अब हम इसे मिला लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मिक्स वेज बनकर तैयार है। तुम लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से सब्जी, शादी पार्टियों वाली जैसे सब्जी। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।